झारखंड में महागठबंधन सरकार के एक साल पूरे होने पर रांची में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की भी कड़ी आलोचना की गई। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को दिए सख्त निर्देश। रांची में आज सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक। इस दौरान दो प्रस्तावों पर लगी मुहर। पटना के एनएमसीएच में कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में बोकारो में जेएमएम ने बीजेपी नेताओं पर बोला हमला, तो वहीं लातेहार में काफिले के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का किया पुतला दहन। चाईबासा के कांग्रेस भवन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का मनाया गया जन्मदिन। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता दिखे मौजूद। रांची में बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। बीजेपी का जो ऑफिशियल कार्यक्रम था वो फिराया लॉन्च चौक में था, जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, जहां आप लोग सभी लोग गए भी थे और उसको कवर भी किया। वहां के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध के लिए वहां कुछ पहले से ही उन लोगों ने घोषित करके रखा था। जमशेदपुर के पोटका में हुआ नेशन न्यूज की खबर का असर, जहां हेसड़ा के जुड़ी पहाड़ी में रहने वाले छोटो गोप की मानसिक स्थिति की खबर प्रमुखता से दिखाने पर परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जमशेदपुर उपायुक्त को आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर बोकारो में भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय में दिया एक दिवसीय धरना। इस मौके पर बोकारो विधायक और झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक के साथ साथ बेरमो के पूर्व विधायक और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क, वहीं तापमान में होगी बढ़ोतरी। बता दें राजधानी रांची में भी तापमान की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रोहतास जिले के अंकित का इसरो में वैज्ञानिक के रूप में हुआ चयन, परिवार के सदस्यों ने जताई खुशी का, जिले सहित राज्य को किया गौरवान्वित। मसौढ़ी के नदवा में जदयू के जहानाबाद सांसद ने लोगों के बीच बांटा कंबल। इस दौरान ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा लोगों तक मदद पहुंचाने का किया वादा। जमशेदपुर के पोटका में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारियों के लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं होने पर एसडीओ जमशेदपुर ने की बैठक। इस दौरान जल्द से जल्द आधार सीडिंग करने का एसडीओ ने दिया निर्देश। रूटीन बैठक थी जो सप्लाई विभाग से संबंधित, जिसमें सभी डीलरों को जो भी राशन कार्ड, जिनका भी राशन कार्ड सीडेड नहीं है आधार से, या जो भी मेंबर से जिनका आधार से सीडिंग नहीं हुआ है, उस संबंध में बैठक थी। झारखंड के उरमांझी में हुए दुष्कर्म के मामले पर आरजेडी की प्रवक्ता स्मिता लगड़ा ने दिया बयान, कहा इस तरह की घटना सोसाइटी की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें आरजेडी प्रवक्ता घटना स्थल का निरीक्षण करने गई थी। सहरसा के जिला परिषद स्थित रेनवो रिसोर्ट परिसर में जेडीयू की जिला कार्यकारिणी बैठक का हुआ आयोजन। इस दौरान जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में उपायुक्त सूरज कुमार ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान कर्मचारी पर मचा हड़कंप, तो वहीं विभाग के कार्यालय बंद दिखे और पदाधिकारी भी गायब रहे। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण के क्रम में मैं इधर से गुजरते हुए प्रखंड मुख्यालय में औचक निरीक्षण में पहुंचा। मुजफ्फरपुर में पदभार संभालने के बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की मीडिया से बातचीत। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता पर रखकर हर एक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का भी प्रयास करेंगे। देखिए मुजफ्फरपुर जिले में कल मैंने प्रभार ग्रहण किया है और हम लोग सभी लोग मिलजुल कर चाहेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। गोपालगंज में कपड़ा दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई युवक की करतूत, पुलिस ने भेजा जेल। मुजफ्फरपुर जिले में घर में फंदे से लटका मिला युवक, वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। लातेहार जिला के उपायुक्त के निर्देशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की सराहनीय पहल, मुजहर जनजाति परिवार के लोगों का बनाया जा रहा आधार कार्ड, जिसके बाद मुजहर परिवार के लोगों में खुशी का माहौल। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 दिन पहले चोरी की साइकिल में हिस्से को लेकर हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, वहीं मामले में दो हत्यारे को किया गिरफ्तार।
बोकारो में 4 एसडीओ के पास आए फरियादी को एसडीओ ने डांटा। इस दौरान हार्ट अटैक से अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हुई फरियादी की मौत। वहीं एसडीओ ने मामले को बताया बेबुनियाद। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का आतंक जारी, जहां होटल संचालक को सरेआम अपराधियों ने मारी गोली। वहीं जख्मी संचालक के इलाज के दौरान हुई मौत। साहिबगंज के लुलु पैलेस में AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने कोरोना योद्धा सम्मान सह पत्रकार सम्मेलन का किया आयोजन। इस दौरान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राजमहल सांसद विजय हांसदा ने पत्रकारों की हौसला अफजाई। मसौढ़ी में बढ़ते क्राइम को लेकर ASP और थानाध्यक्ष शुभम आर्यन के निर्देशानुसार जगह जगह पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान कई गाड़ियों को मौके से किया गया जब्त।